टीवी का धमाकेदार सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिलीप जोशी स्टारर तारक मेहता का उल्टा चश्मा बीते कई सालों से लोगों का पसंदीदा बना हुआ है। इसकी हर एक कहानी के साथ साथ हर एक किरदार को भी बखूबी पसंद किया जाता है। हालांकि आज भी लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बेन को खूब याद करते हैं। बीते दिन खबर आई थी कि एक्ट्रेस काजल पिसाल बतौर दया बेन तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एंट्री कर सकती है। उन्हें लेकर फैंस भी खूब एक्साइटेड नजर आ रहे थे, लेकिन अब इस मामले पर खुद मेकर्स ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने काजल पिसाल की एंट्री बातचीत की है। एंटरटेनमेंट के गलियारों में खबर किया गया है कि काजल पिसाल को दया बेन के किरदार के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स ने अप्रोच किया है। हालांकि जब एक मीडिया चैनल ने नीला टेलीफिल्म्स के सिलसिले में बात करना चाही तो उसके आधिकारिक प्रवक्ता ने इस मात्र अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि दया बेन के तौर पर काजल पिसाल की एंट्री सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। अभी तक इस बारे में मेकर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया है। बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बेन की एंट्री को लेकर पहले भी अफवाहें उड़ चुकी है। यहाँ तक कि शो का प्रोमो भी रिलीज हुआ था जिसमें दया बेन की एंट्री होती नजर आई थी। हालांकि उस प्रोमो को यूजर ने टीआरपी स्टंट बनाया था और मेकर्स की जमकर क्लास भी लगाई थी। कुछ दिनों पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिशा वकानी की वापसी की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि एक्ट्रेस के दूसरी मां बनने के बाद यह अटकलें भी खत्म हो गई। मेट्रो मुंबई के लिए नितेश ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।